हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसका निर्माण सिलचर में किया जाएगा और सिलचर सौराष्ट्र राजमार्ग के बाला चेर्रा हेरंगा जाओ सेक्शन को मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री गडकरी जी ने यह भी घोषणा किया कि रंगपुर में मधुरमुख के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के 0 पॉइंट पर आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में की है। चलिए अब आपको असम के बारे में बातें हैं। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी, कैपिटल है दिसपुर। फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदलोई जी, फर्स्ट गवर्नर है मोहम्मद साले अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो कि असम हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस है एन कोटेश्वर सिंह। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पी के स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता चुना गया है। इन विभागों को डिजिटल इंडिया अवार्ड का विजेता चुना गया है, जिसे इस साल केंद्र सरकार द्वारा ई गवर्नेंस में अभिनव पहलों के लिए शुरू किया गया है। चलिए आपको बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान जी, कैपिटल पटना। फर्स्ट CM कृष्णा सिंह, फर्स्ट गवर्नर जेम्स सिप्टॉन जी। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। बिहार का हाईकोर्ट पटना में है। चीफ जस्टिस संजय करोल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में बिहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई। अब अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत में पर्यटक हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद उठा सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इस सेवा को शुरू करने की योजना बना रहा है। चलिए आपको डिटेल्स में मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारमैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस स्वर्गीय जस्टिस की ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का विमोचन हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। दिवंगत जस्टिस राजेंद्र सच्चर के परिवार ने द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर द्वारा लिखित पुस्तक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया है। इस पुस्तक को उनके मरणोपरांत प्रकाशित किया गया है। ये उनकी
बुक है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों की कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 180 किलोमीटर पर आवर। भारतीय रेलवे द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह विस्टाडोम कोच यात्रियों के लिए रेल यात्रा को यादगार बनाने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। विस्टाडोम पर्यटक कोचों के बारे में बात करें तो इन लग्जरी पर्यटक कोचों का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। यूरोपीय शैली के डिजाइन के इन कोचों में बाहरी दृश्यों को देखने के लिए छतों को कांच से बनाया गया है और खिड़कियां चौड़ी रखी गई हैं। चलिए अब आपको भारतीय रेलवे के बारे में बताते हैं। वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और वीके यादव जी चेयरमैन हैं। बात करें भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं इंजीनियर श्रीधरन जी। भारत में करें भारतीय रेलवे जोन 17 जोनों में बटी हैं। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली थी जो कि बॉम्बे विटी और कुर्ला के बीच चली थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1964 की हुई थी। भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य दूर 34 किलोमीटर चली थी। भारत में प्रथम रेल चली 16 अप्रैल 1853 को। बात करें भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेलवे ही है। भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है। रेलवे बजट को समान बजट से 1924-25 में अलग किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसको GAVI के बोर्ड के में बतौर सदस्य चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि GAVI के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व म्यांमार के मिन थाट वे कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन GAVI बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 1 जनवरी 2021 से कारभार ग्रहण किया और 31 दिसंबर 2023 तक सेवा प्रदान करेंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, या आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वीके यादव जी। रेलवे बोर्ड के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IET द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। हर साल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली लोकल नेटवर्क भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भारतीय रेलवे के वर्तमान चेयरमैन एंड CEO विनोद कुमार यादव जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में नौसेना और किसने पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में IL-38SD एयरक्राफ्ट यानी कि इंडियन नेवी से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर सहायक NG का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। भारतीय नौसेना ने इसकी परिचालन लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि करने और तट से 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तैनात पोतों का महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग भंडारण सुविधा मुहैया कराने के लिए परीक्षण किया है। चलिए आपको डिटेल्स में DRDO के बारे में बताते हैं। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी
जनरल डायरेक्टर जेमंजुला ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में PCMC और किसने पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहला ऐसा मौका है जब कोई सरकारी निकाय किसी बॉन्ड में आउटकम फंडर के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से ज्यादातर सरकारी वित्त पोषित सार्वजनिक परियोजनाओं का परिणामों की पर्याप्त अवधि के साथ सरकार द्वारा बड़े और शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है और जिसमें कई तरह के जोखिम शामिल होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोमा मंडल जी। सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं। वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगे जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने 2017 में बतौर निदेशक के रूप में सेल में ज्वाइन किया था। बात करें सोमा मंडल के बारे में तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में साल 1984 स्नातक। मंडल ने नालको NSE में स्नातक इंजीनियरिंग ट्रेनी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और बाद में नालको में निदेशक बन गई थी। बात करें सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बात करें सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। चलिए चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं सोमा मंडल जी। चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी 2021। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को और आगे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी। इस समय सीमा का उन लोगों के लिए बढ़ाया गया है जिनके खातों की ऑडिट होना आवश्यक नहीं है और जो आमतौर पर ITR 1 और ITR 4 फॉर्म के जरिए अपने आयकर रिटर्न भरते हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का यह तीसरा विस्तार है। पहला विस्तार 31 जुलाई से 30 नवंबर, उसके बाद 2020 और फिर इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। यूएसए देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने दो सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जोंग संसान सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत का पहला टेस्ट टीहान सिस्टम IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया। बात करें कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 4,573 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। वयवृद्ध ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया, उनका नाम इंदिरा जोसेफ वेनूर था। एस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में था यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। बात करें न्यूजीलैंड टीम एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ड्रोन पर नए नियम जारी किए हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी USA। क्वेश्चन नंबर 2 था किस देश के जाने माने डिजाइनर पीरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसको विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए आसाम क्षेत्र घोषित कर दिया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smash को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।